तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई बीजेपी की सांसद दल की बैठक के बाद बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विकास योजनाओं की बात की, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी सांसदों को जोड़ने के लिए कहा और साथ ही एक विशेष बात कही। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश में सिर्फ चार जातियां हैं, जनता मुझे मोदी के नाम से जानती है, इसलिए मोदी जी नहीं सिर्फ मोदी कहकर बुलाए। सभी सांसदों को और मंत्रीगण को जो है हमें बातें बताई, जैसे कि चार जातियों के बारे में उन्होंने कहा कि चार जातियां हैं, एक गरीब की जाति है, एक युवा की जाति है, किसान की जाति और एक महिला की जाति है। हमें पर्टिकुलर किसी कास्ट कम्युनिटी के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो ये जातियां हैं इनके उत्थान से हम कैसे हमारे देश को विकसित भारत बना सकते हैं, इस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जन्म दिवस है, जिसको गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उसमें किस तरह से हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है, उसमें हम सब लोगों का क्या भूमिका रहनी चाहिए, हमारी कैसे भागीदारी रहनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों को मार्गदर्शन किया है और बड़ा विस्तार से बताया। कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता को अगर आप जो है उनके आगे पीछे जो है अगर आदरणीय माननीय जी लगाकर अगर आप संबोधित करेंगे तो लोग जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक आम आदमी जो है वो मोदी जी को मोदी से ही कनेक्ट करता है।